आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। नमस्कार, मैं वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। आज पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है और महेंद्र सिंह धोनी के फैन पूरे विश्व भर में हैं। हम हरमू रोड में मौजूद है और मेरे पीछे जो इलाका है, जो घर दिखाई पड़ रहा है, वह महेंद्र सिंह धोनी का है। बता दें कि आज महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है और पूरे विश्व भर में और इनके जो महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं और यह जो है अलग अलग तरीके से महेंद्र सिंह धोनी का जो है जन्मदिन मना रहे हैं। राजधानी रांची में इसलिए महेंद्र सिंह धोनी खास है क्योंकि राजधानी रांची को कहीं ना कहीं बड़ी पहचान विश्व स्तर पर दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी हैं और क्रिकेट के दीवाने पूरे विश्व भर में सबसे अधिक अगर कहीं हैं तो वह भारत में हैं। वो यह वही घर है जब महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप जीतकर वापस भारत आए थे, तभी यह घर जो है उन्हें राज्य सरकार द्वारा सौगात में दी गई थी और इसी घर का नाम जो है सौर्या है। बता दें कि अब फिलहाल जो है महेंद्र सिंह धोनी यहाँ नहीं रहते हैं, वह जो है यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर अपने जो है फार्म हाउस में रहते हैं। फिलहाल आज महेंद्र सिंह धोनी इंग्लैंड में हैं और वह अपने पूरे परिवार के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि राजधानी रांची में भी जो क्रिकेट के दीवाने हैं, जो यूथ हैं, वह अपने अपने अंदाज से केक काटकर जो है आज जन्मदिन मना रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे, जो खास करके क्रिकेट के दीवाने हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर में आज किस तरह से वह लोग जो है महेंद्र सिंह धोनी यानी माही का जन्मदिन मना रहे हैं। माही ही एक ऐसे क्रिकेटर है जो कि कह सकते हैं कि उनके जो फैन हैं वह युवा ही नहीं है, महिलाएं भी हैं। आज महेंद्र सिंह धोनी का जो है जन्मदिन है और महेंद्र सिंह धोनी जो है आज 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। कितना उत्साह है क्योंकि रांची और राजधानी जो है, रांची की पहचान कहीं ना कहीं विश्व पटल पर महेंद्र सिंह धोनी के कारण ही जो है बन पाया है। आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, खेलते हैं। क्या लगता है कि क्रिकेट को भी एक नया पहचान जो है महेंद्र सिंह धोनी के कारण जो है मिला है? क्रिकेट को भी नया पहचान मिला और झारखंड को भी पहचान हमारे महेंद्र सिंह धोनी की वजह से मिला है। और हम लोग बगल में रहते हैं इनके, यहाँ पे मुंडेश्वरी टावर में काम करते हैं। मतलब हम लोग उनके लिए काफ़ी इंतज़ार में रहते हैं लेकिन उनका झलक हम लोग को मिलता नहीं है। शायद वो कभी न्यूज़ देखे तो हम लोग को वो झलक अपना वो हम लोग को दिखा दे बर्थडे के दिन। अच्छा, उम्मीद है, लगता है कि एक बार मुलाकात हो जाए, एक उत्साह होता है। बहुत बहुत उत्साह है, हम लोग तो चाहते हैं जब मिल जाए। हम लोग तो उनका फ़ैन है, मतलब पूरा दुनिया फ़ैन है उनका, जो चाहे मतलब ये हमारे सब में सब कोई लोग फ़ैन है। टोटल आदमी जितना है सब कोई लोग मतलब उनके बहुत बड़े फ़ैन है, पूरा देश उनका फ़ैन है। अच्छा, जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी का बार बार जो है डाउन टू अर्थ जो है वीडियो वायरल होता है, फोटो वायरल होता है, लगता नहीं है कि एक बड़ा चेहरा जो है अब क्रिकेट से कहीं दूर चला गया है, इसकी कमी खलती है? कमी बहुत खलती है। एक मतलब एक इतने बढ़िया कप्तान को हम लोग, मतलब हमको नहीं लगता है कि शायद इसके बाद कोई कप्तान वैसा हो पाएगा। हम लोग तो डाउन टू अर्थ की बात है, हम लोग हमेशा देखते हैं छोटा से बड़ा, छोटा अपना घर में काम, टोटल सब चीज़ वो काम अपना घर में मतलब करते हैं, गाड़ी धोने से लेकर मतलब सब काम टोटल वो करते हैं। अच्छा, अब यहाँ जो है ये हरमू वाला आवास है और यहाँ आप नहीं रहते हैं, इससे आसपास के लोगों में क्या थोड़ी बहुत नाराज़गी है? नाराज़गी तो है लेकिन यहाँ पर अब वो रहते हैं उधर साइड अपना घर बनाए हुए, बहुत आदमी आते हैं यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं, ये तब भी अभी भी हर कोई यहाँ पे धोनी के घर से ही जान रहा है। रहते या नहीं रहते लेकिन तब भी सोचता है कि एक बार झलक मिल जाए अपना। हम लोग भी यही सोचते हैं हमेशा कि एक झलक उनको मिल जाए। अच्छा, लगता है कि दोबारा फिर से अब माही जैसा कोई आएगा? नहीं, माही भाई जैसा तो कोई नहीं आ सकता, उनके जैसा तो अब शायद ही कोई मतलब आएगा, उनके जैसा इंडियन क्रिकेट में तो नहीं आएगा। युवाओं में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है दीवानगी है और लगातार जो है युवा जो है माही को दोबारा जो है क्रिकेट में देखना चाहते हैं। क्या लगता है यह जो दीवानगी है युवाओं में वह कम होगा? नहीं, कम तो होने लायक नहीं है। दीवानगी जो ऐसा चीज़ है कि बढ़ता ही है और क्रिकेट आज के डेट में ऐसा मतलब स्पोर्ट एक तरह से है कि हर कोई चाहता है कि करियर बनाए, हम अपना मतलब क्रिकेट में करियर बनाए। धोनी एक तरह से हमारे मतलब रांची का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि हैं एक तरह से, जो आज के युवाओं को एक तरह से लोहा लेना चाहिए धोनी जो किए उस पे। आइडल के तौर पे माना जा सकता है? जी जरूर, आइडल के तौर पे धोनी को माना जा सकता है और काफ़ी अच्छा खिलाड़ी भी हैं। आप
इतने मतलब दो विश्व कप हुआ उसमें भी धोनी रहे और उनका जो योगदान रहा विश्व कप में काफ़ी अच्छा योगदान था। तो आज के युवा को कम से कम इससे प्रोत्साहन लेना चाहिए और कुछ ऐसा कर दिखाने का जुनून भी रहना चाहिए। अच्छा, जो लोग क्रिकेट अब तैयारी कर रहे हैं, कई लोग स्पोर्ट्स में अपना समय दे रहे हैं जी, उन लोगों को क्या लगता है कि यहाँ से अब प्रमोट करने की ज़रूरत है और धोनी के नाम से कहीं ना कहीं अब जो है बाहर खास करके जब बड़े महानगरों में जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें माइलेज मिलता है? काफ़ी माइलेज मिलता है। आप मतलब अगर स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है तो आपको स्टेट झारखंड एक तरह से स्पोर्ट को काफ़ी मतलब सपोर्ट करती है। ठीक है, यहाँ किसान किसान भी यहाँ से खेलते हैं। किसान हाँ यहाँ से खेलते हैं। आप देख सकते हैं कि सपोर्ट इतना है झारखंड में, अगर कोई भी करियर बनाना चाहता है स्पोर्ट लाइन में, खास करके क्रिकेट हो गया या फुटबॉल हो गया, तो ये सारे चीज़ के लिए यहाँ पर झारखंड सरकार बहुत सारा रखी भी है। ठीक है, और काफ़ी योगदान भी देती है झारखंड सरकार। कहाँ रहते हैं आप राजधानी में? राजधानी मेरा यहीं रांची में ही है और धोनी के जस्ट घर के बगल में ही हम लोग का ऑफिस है। हम लोग यहाँ अक्सर वेट करते हैं कि एक बार एक झलक देख लें धोनी को। अच्छा, सुबह से लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, कई लोग जो घर के सामने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं जी। क्या लग रहा है कि दीवानगी है वह अब कम से कम एक दिन जो मिलता है? आज धोनी इंग्लैंड में अपना जन्मदिन मना रहे हैं, यहाँ पर आप लोग कैसे जन्मदिन मना रहे हैं? हम लोग हैं, उनका वेट कर सकते हैं। ऐसे तो एक रहेगा कि हाँ धोनी का जन्मदिन है, अपने आवास पे नहीं आए, हो सकता है कि अपने दूसरे आवास पे हों, अपने परिवार के साथ हों, लेकिन थोड़ा सा समय, हम यही कहना चाहेंगे मेरे तरफ से एक मैसेज है कि थोड़ा सा समय कम से कम अपने फैंस को भी दे दें। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि फैंस को जो है थोड़ा समय देना चाहिए। धोनी को जानते हैं? हाँ, ज़रूर जानते हैं। कहाँ ये घर किनका है? तो महेंद्र सिंह धोनी जी का ही है। खुशी मिलता है कि आज जन्मदिन है और लगता है कि धोनी को फिर से जो है क्रिकेट में देखना चाहते हैं, भारतीय कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम में देखना चाहते हैं। हाँ, देखना तो चाहते हैं, वो छोड़ दिए हैं तो हम लोग बहुत मिस करते हैं उनको। लगता है जब माही आते थे क्रिकेट में, जब कभी कभी तीसरे नंबर पर तो कभी कभी पाँचवें नंबर पर, तो लगता था कि कुछ अब जो है नया देखने को मिलेगा, खास करके मनोरंजन मिलेगा और जीतेंगे ज़रूर। बहुत ही अच्छा लगता था और लगता था कि अब हेलीकॉप्टर शॉट जो है सो देखने को मिलेगा और मैच जो है सो अब अपने हाथ में ही रहेगा, लेकिन पीछा करके जीतते थे वो सब अभी जो है सो वो नहीं है तो नहीं देखने को मिलता। अच्छा, उनका चेस करने का एक जो है तरीका होता था काफ़ी, कि जो नंबर मिलता था जितना रन होता था उसको चेस करते थे काफ़ी अच्छा जो है कॉन्फिडेंस के साथ सारा शॉट खेलते थे और वो मैच को निकाल लेते थे, हारा मैच को भी वो जीत ला। अच्छा, एक चीज़ हम लोग जो मिस करते हैं, क्योंकि मैं भी जो है क्रिकेट का फ़ैन रहा हूँ, अधिकांश लोग जो है क्रिकेट कम धोनी का अधिक फ़ैन रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी पहले जो है क्रिकेट को कम देखते थे, लेकिन जब से धोनी जैसे ही क्रिकेट में आए और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने हिस्सा लिया तो हम लोग भी ज़्यादा रुचि के साथ देखने लगे। अच्छा, लगता है कि फिर से एक प्लेटफॉर्म धोनी को मिलना चाहिए? ज़रूर मिलना चाहिए, और हम लोग तो मतलब क्रिकेट तो देखते थे लेकिन जब से धोनी खेलते तब से। आज जन्मदिन है, क्या कहेंगे? हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं कहेंगे। वी आर ऑल मिस एमएस धोनी। अच्छा, मिस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आज भी देखिए यहाँ पर उनके आवास में सभी को आके फ़ोटो खिंचवा रहे और उनको मिस कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रांची के? हम तो बोकारो के रहने वाले हैं। हाँ, लेकिन लगता है कि मतलब बड़ा मज़ेदार कि धोनी रहते हैं, एक बार एक नज़ारा मिल जाता। हाँ जरूर, हमेशा हम लोग जब वर्ल्ड कप जीते तो उस समय भी आके हम लोग इनके घर के सामने बहुत मिस कर रहे थे। उस समय तो उनके पिताजी लोग रहते थे, अभी तो यहाँ पर कोई नहीं रहते हैं। कभी कभार आते और हम लोग को मतलब देखने एक को नज़ारा, एक झलक मिलना चाहिए, काफ़ी खुशी मिलता है नहीं? बहुत खुशी मिलता है एक बार देखने से, जब हाथ एक बार हम लोग दिखाते हैं तो लगता है कि हाँ चलिए झारखंड बिहार से जो है सो अभी तो सबसे फेमस यही रहे, उसके बाद अभी ईशान किशन आए हैं। लेकिन अच्छा लगता है कि एक मध्यम वर्ग का इंसान जो है इतने ऊपर चला गया, लेकिन उसमें एक बूंद भी घमंड नहीं दिखाई पड़ता। घमंड नहीं है, एक भी थोड़ा घमंड नहीं है, अभी भी आते हैं कभी भी अगर तो उसी तरह सिंपल जो है सबसे मिलते भी हैं, वैसा नहीं है कोई चेंजेस। अच्छा, बाइक उनके लिए जो है काफ़ी पसंदीदा राइड होता था, तो अभी भी जो है वह रांची की सड़कों पर चलते हैं, क्या लगता है इस तरह से कोई दूसरा क्रिकेटर चल पाएगा? नहीं, वैसा तो नहीं चल पाएगा, अचानक वो जो है सो हेलमेट लगा के निकल जाते हैं और सड़क में चलते हैं, इस तरह से तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको पसंदीदा चीज़ है बाइक। कार में नहीं चलते, रांची आते हैं तो अक्सर वो बाइक में बहुत जगह निकल जाते, पता नहीं चलता फैंस को
लेकिन जो है सो जब स्टेडियम जाते हैं तो बाइक से ही जाते हैं। क्या देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे जो है काफ़ी खुशी है, यह जो है काफ़ी बड़े फैन दिखाई पड़ते हैं और इन्हें उम्मीद थी कि आज जो है महेंद्र सिंह धोनी का दर्शन होगा और दर्शन होने के साथ साथ जो है इन्हें जो है यह लोग दूर से ही जो है जन्मदिन जो है विश कर पाएंगे। हालांकि बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी जो है इंग्लैंड में जो है वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और यहीं वह जो है आवास है जहां महेंद्र सिंह धोनी कई सालों तक रहते थे और यहीं से जो है कहीं ना कहीं यह घर जो है पहचान थी महेंद्र सिंह धोनी की। फिलहाल अब जो है महेंद्र सिंह धोनी अपने पिस्का मोड़ के फार्म हाउस में रहते हैं और वहीं पे जो है वह फिलहाल जो है खेती कर रहे हैं, फार्मिंग का काम कर रहे हैं और फार्मिंग के काम को लेकर भी कई बार जो है चर्चाओं में जो है धोनी रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले बार जब जन्मदिन आएगा तो जो माही के फैन हैं उन्हें भी एक कम से कम जो है उन्हें जो है एक नज़ारा देखने को मिलेगा, एक हाई जो है एक इशारा जो है मिलेगा, क्योंकि फैन को एक इशारा ही काफ़ी होता है। और उम्मीद है कि कई लोग जो है इस घर के बाहर आज जो है फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और यह जो फ़ोटो खिंचाने का जो सेशन है आप समझ सकते हैं कि माही का जो जुनून है, माही के प्रति जो प्यार है लोगों का, वह अब भी कम नहीं हो पाया है।